हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म, जैनिज्म। इसके बारे में फुल डिटेल से फैक्ट्स के अनुसार समझेंगे। देखिए, जैन धर्म 6ठी शताब्दी में उदित हुए उन 62 नवीन धार्मिक संप्रदायों में से एक था, परंतु अंत में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म ही प्रसिद्ध हुए हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में उदित हुए प्रमुख धार्मिक संप्रदाय निम्न थे। अब इसके बारे में चर्चा करें। अक्सर आपने देखा होगा, आपने जीके की बुक में जैन धर्म, उसके बाद जस्ट बौद्ध धर्म, और कोई भी नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से। अब आप जैसे अब यहाँ पर आपको सभी डिटेल से मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम जैन धर्म, और जैन धर्म में आप वर्धमान महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक थे, महावीर स्वामी जी, ठीक है। आगे हम देखते हैं बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म था उनके जो संस्थापक, उनका नाम है गौतम बुद्ध। तीसरा है आजीविक संप्रदाय, इसके थे मखली गोशाल। आगे और देखते हैं दोस्तों। चौथा है अनिश्चयवाद, इसके थे संजय वेटली पुत्र। ये आपके यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो आपको पता होना चाहिए। भौतिकवाद के बारे में देखते हैं, और जो भौतिकवाद है उसके हैं पकुद कंचायन। आगे देखिए यक्षवाद, इसके आचार अजाति केशक कम्बलीन, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, घोर अक्रियावादी, इसके हैं पूरन कश्यप। सनक संप्रदाय, कोष्टक में द्वेता द्वेत, इसके हैं निमार्क। इसके जो कौन हैं संस्थापक, निमार्क थे दोस्तों, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना दोस्तों। आगे और देख लो दोस्तों जल्दी, फर्स्ट रुद्र संप्रदाय, शुद्धा द्वेत, इसके थे विष्णु स्वामी वल्लवाचार। आगे देखिए ब्रह्म संप्रदाय द्वेत, इनके थे आनंद तीर्थ। आगे देखिए वैष्णव संप्रदाय विशिष्ट द्वेत, इसके थे रामानुज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लें, सभी लिख लें दोस्तों। आगे देखिए राम भक्त संप्रदाय, इसके थे रामानंद। कौन थे? रामानंद दोस्तों। आगे और देखिए परमात्म संप्रदाय, इसके थे रामदास। श्री वैष्णव संप्रदाय, इसके थे रामानुज। वर्करी संप्रदाय, इसके थे नामदेव। सभी आप नोट्स बना लें, आप सभी रफे लिखते चलें दोस्तों, क्योंकि अगर यूपीएससी की तैयारी है तो आप इसको ज़रूर ज़रूर नोट्स करें, जब ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आगे देखिए वर्धमान महावीर, एक संक्षिप्त परिचय हम इसके बारे में देखेंगे, थोड़ा सा महावीर जी के बारे में संक्षिप्त। देखिए जन्म कुंडग्राम है दोस्तों, ठीक है, और वैशाली, ठीक है, कुंडग्राम वैशाली, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टिंग होती है। खैर आगे और देखते हैं कुंडग्राम वैशाली, और इनकी जन्म का वर्ष है 540 ईस्वी, बिल्कुल सही है, ये राइट है। पिता का नाम सिद्धार्थ, और ये जातक क्षत्रिय कुल के थे। माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा, इनकी जो पत्नी का नाम था, उनकी पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, ओके। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। भाई नंदीवर्धन, गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में भाई की अनुमति से इन्होंने लिया, ठीक है। और तपकाल 12 वर्ष। तपस्थल जम्मी ग्राम, या इसको जम्मी ग्राम को जम्मी का ग्राम भी कहते हैं। रुजुपालका नदी के किनारे में 1 साल ब्रज साल का ब्रज था, ठीक है। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति या प्राप्त 42 वर्ष की अवस्था में हो गया। ज्ञान की जो प्राप्ति थी उन्हें कब प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में। निर्माण मतलब मृत्यु कब हुई थी? 468 ईस्वी, 72 वर्ष की आयु में पावा में। धर्मोपदेश देने की तिथि 12 वर्ष इन्हें धर्म उपदेश दिया। आगे देखते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में। जैन धर्म के संस्थापक, इसके प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन परंपरा में धर्म गुरुओं को तीर्थकर कहा गया तथा इनकी संख्या 24 बताई गई है दोस्तों, ये आप सब नोट करते चलें। जैन शब्द जिन से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर को जिन की उपाधि मिली एवं इसी से जैन धर्म नाम पड़ा।
महावीर इस धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाए हैं। दोस्तों आएंगे और समझते हैं। देखिए जैन धर्म को संगठित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को जाता है, परंतु जैन धर्म महावीर से पुराना एवं उनसे पहले इस धर्म में 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। महावीर इस धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इस धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ एवं 24वें तीर्थंकर महावीर को छोड़कर शेष तीर्थकारों के विषय में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। तीर्थकरों के बारे में कोई विशेष नहीं, ओनली ऋषभदेव जो फर्स्ट थे, फिर उनके बाद ये जो 23वें नंबर के पार्श्वनाथ और 4थे नंबर के महावीर स्वामी, ये जो तीन हैं वही इम्पोर्टेंट ज्यादा हैं। महावीर के उपदेशों की जो भाषा थी वो प्राकृतक थी, और प्राकृतक को अर्धमग्धी भी कहते हैं। ठीक है, अर्धमग्धी या मग्धी की बात है। महावीर के दामाद जामली उनके पहले शिष्य बने हैं। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा जैन विछुड़ी बनने वाली पहली महिला थी। ये याद रखना दोस्तों, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता तो है, परंतु जिन सर्वोपरि है, जिनकी उपाधि महावीर स्वामी को मिली, ये बात आप याद रखना। ठीक है, आगे देखिए। स्यादवाद एवं अनेकतावाद जैन धर्म के सप्त भंगी ज्ञान के अन्य नाम है दोस्तों। और आगे देखिए, जैन धर्म के अनुयायी कुछ प्रमुख शासक थे, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगराज खारेवाल। ठीक है, कलिंगराज खारेवाल ये याद रखना, अमोदवर्ष राष्ट्रकूट राजा, चंदेल शासक, ये सभी दोस्तों। आगे और देखिए, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार शाक्य दर्शन से प्रेरित हैं। अपने उपदेशों के प्रचार के लिए महावीर ने जैन संघ की स्थापना की। आगे और देखिए दोस्तों, महावीर के 11 शिष्य जो थे ना, प्रिय थे वो 11 थे, जिन्हें गढ़कट कहते थे। इनमें 10 की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो गई। महावीर का 11वां शिष्य आर्य सुधर्मन था, जो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख बना एवं धर्म प्रचार भी किया उसने। 10वीं शताब्दी के मध्य में श्रवण वेल गोला कर्नाटक में ये, ठीक है, मैं चामुंड मैसूर के गंग वंश के मंत्री ने गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। आगे और देखिए, चंदेल शासकों ने खुजराव में जैन मंदिरों का निर्माण कराया। मथुरा मौर्य कला के पश्चात जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। नए चंद सभी जैन तीर्थकरों में संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान था। महावीर के निधन के लगभग 200 वर्ष के पश्चात मगध में एक भीषण अकाल पड़ा। आगे और देखिए दोस्तों, उपरोक्त अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा एवं भद्रभाव जैन संप्रदाय का प्रमुख था। राजा चंद्रगुप्त एवं भद्रभाव उपरोक्त अकाल के दौरान अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए, जो जैन धर्मावली मगध में ही रह गए। उनकी जिम्मेदारी स्थूल व्रत पर दी गई। भद्रभाव के अनुयायी जब दक्षिण भारत से लौटे तो उन्होंने निर्णय लिया कि पूर्ण नग्नता महावीर की शिक्षाओं का अवश्य आधार होना चाहिए। जब स्थूल भद्र के अनुयायी ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ किया एवं श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रभाव के अनुयायी दिगंबर कहलाए। भद्रभाव द्वारा रचित कल्प सूत्र में जैन तीर्थकारों की जीवनी का संकलन है। महावीर स्वामी को निर्वाण की